हेलो बच्चों, गुड इवनिंग। तो आज स्टार्ट करते हैं हम लोग एपीमराइजेशन। ठीक है, एपीमराइजेशन और ओसा जोन फॉर्मेशन दो ऐसी चीज़ें हैं जो अपने को आज यहाँ पे पढ़नी है। ठीक है, लास्ट लेक्चर में मैंने आपको पढ़ाया था साइक्लिक स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज, और आज मैं आपको पढ़ा रहा हूँ कुछ स्पेसिफिक रिएक्शन ऑफ ग्लूकोज, जैसे ओसा जोन फॉर्मेशन। लास्ट टाइम मैंने एल्काइलेशन और एसाइलेशन पढ़ाया था ग्लूकोज का। आज कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शन है जो ओसा जोन फॉर्मेशन है, लास्ट टाइम मैंने इंट्रोड्यूस किया था। अभी मैं पूरा डिटेल में आपको उसका डिटेल बताने वाला हूँ। तो जल्दी से सभी लोग ज्वाइन कर लो और चैनल को जल्दी से शेयर करो सभी बच्चों को, ताकि जो ज्वाइन नहीं कर पाए हैं, थोड़ा डिले हुआ है, वो सब आ जाए। ठीक, सो आज पढ़ेंगे ओसा जोन फॉर्मेशन डिटेल में, ओसा जोन कैसे बनता है और कौन सा रीअरेंजमेंट होता है। तो ओसा जोन फॉर्मेशन मैंने आपको बताया था, ये कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शन है किस कंपाउंड का, कैसे कंपाउंड का, बताइए सभी लोग। ओसाजोन फॉर्मेशन कौन से शुगर करते हैं, कौन बनाएगा ओसाजोन, क्या जितने भी मॉलिक्यूल हैं शुगर के सभी ओसाजोन फॉर्मेशन करेंगे, अगर हाँ तो कौन से हैं, नहीं तो क्यों नहीं। जल्दी से आप लोग आंसर करो तब आगे बढ़ेंगे। गुड इवनिंग एवरीबॉडी। सभी लोग बताओ जल्दी से क्या बनेगा क्या नहीं। सारे बच्चे जल्दी से बताओ भाई, ओसा जोन फॉर्मेशन कौन करता है। लास्ट टाइम मैंने आपको बताया था, सभी लोग बताओ। ग्लूकोज का, सिर्फ ग्लूकोज बनाता है, ये तो नहीं था आंसर, सिर्फ ग्लूकोज तो नहीं था। देखो, ओसा जोन फॉर्मेशन एक कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शन है किसका, रिड्यूसिंग शुगर्स का, है ना। जितने भी रिड्यूसिंग शुगर है वो सब के सब बनाते हैं। ठीक है, तो कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शन है रिड्यूसिंग शुगर का, ऑल रिड्यूसिंग शुगर जितने भी हैं, रिड्यूसिंग शुगर सब के सब बनाते हैं। ठीक है, रिड्यूसिंग शुगर फॉर्म्स ओसा जोन। तो आप सबको मैंने पढ़ा रखा है कि कौन से रिड्यूसिंग शुगर होते हैं, तो धरती पर जितने भी रिड्यूसिंग शुगर है सब के सब ये बनाएंगे। ठीक है, सिर्फ ग्लूकोज की बात नहीं होगी, अभी यहाँ पे आईटी जैम का आया हुआ क्वेश्चन मैं बताऊंगा आपको। ठीक है, सो बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा वो। अब मैंने जो रिएक्शन कराया था पहले मैं वो बता दूँ, आप क्या करना है, रिड्यूसिंग शुगर लेना है अपन को, क्या करना है, रिड्यूसिंग शुगर लेने हैं। रिड्यूसिंग शुगर का रिएक्शन करना है तीन मोल फेनाइल हाइड्राजिन से, पीएच एनएच एनएच टू से, तीन मोल लगता है, ध्यान रखना, आपका बनेगा ओसा जोन। ठीक है, ओसा जोन ये बन जाएगा, ये कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शन है। ये रिएक्शन केवल रिड्यूसिंग शुगर देते हैं, बाकी और कोई और शुगर होगा तो नहीं देगा। ठीक है, बाकी और कोई भी शुगर ये रिएक्शन नहीं देता है। अब मैं आपको इसका मैकेनिज्म सिखाने वाला हूँ, ये कैसे होता है ओसा जोन फॉर्मेशन। ठीक है, वन बाई वन सीखेंगे ओसा जोन फॉर्मेशन कैसे होता है। ठीक, तो चलो जरा देखो तो कैसे होता है, पहले इसको मैं और आपको यहीं पे रिएक्शन कंप्लीट लिख दूं, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। ठीक है, ये आपका रिएक्शन हो गया, मैं यहां पे रिएक्शन कंप्लीट लिखता हूं। ठीक, आपने ले लो सबसे पहले ये एल्डिहाइडिक ग्रुप और यहां पे सी एच ओ एच, इतना ही चाहिए हमको, बाकी नीचे का सी एच ओ एच का होल थ्राइस एंड सी एच टू ओ एच, पूरा काम हमारे सिर्फ इतने पार्ट का है। तो जिस भी कार्बोहाइड्रेट में इतना पार्ट होगा वो सब के सब सेम ओसाजोन बनाएंगे। इसमें हमें करना है तीन मोल फेनाइल हाइड्राजिन से रिएक्शन। ठीक है, तीन मोल फेनाइल हाइड्राजिन से रिएक्शन कराना है, और आपको जो प्रोडक्ट मिलेगा उसका नाम है सी एच डबल बॉन्ड एन एन एच पी एच और सी डबल बॉन्ड एन एन एच पी एच। ये आपका हो गया कंप्लीट रिएक्शन। अब इसको हम लोग करेंगे इसका मैकेनिज्म। ठीक है, ये आपका बन गया प्रोडक्ट। तो इसमें मैंने आपको लास्ट टाइम बताया था कि तीन मोल लेते हैं बट जुड़ता केवल दो ही मोल है, तो ये अपने आप में एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि लेते तीन मोल हैं बट दिखता केवल दो ही मोल है, तो बाकी सब कहाँ गया। ठीक है, तो वन बाय वन अभी आपको दिखाते हैं जो रिएक्शन को लीड करता है सबसे पहले उसका मैकेनिज्म ड्रॉ करेंगे। ठीक, तो क्या मैकेनिज्म ड्रॉ होता है, चलो वन बाय वन देखते हैं। सबको याद है क्या बताया था, किस नेम रिएक्शन से बनता है,
सभी को याद है किसी को किस नेम रिएक्शन से बनता है, किसी को याद हो? तो इसका मैकेनिज्म मैं करने वाला हूँ, चलो ट्राई करते हैं। मैकेनिज्म जो है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, और इसी मैकेनिज्म में आएगा ईपीमराइजेशन, जिसको भी मैं आपको डिटेल में बताने वाला हूँ ईपीमराइजेशन क्या होता है। ठीक, मैकेनिज्म जो होता है वो डील करता है एक नेम रिएक्शन से जिसका नाम है एमाडोराई रीअरेंजमेंट। ठीक है, एमाडोराई रीअरेंजमेंट ये नेम है इसका, जिसकी वजह से पूरा ओसाजोन फॉर्मेशन होता है। तो सबसे पहले उस नेम को जरा देख लीजिए, एमाडोराई रीअरेंजमेंट अगर कभी आ जाए, ठीक है, मैं कई बार एग्जामिनेशन फेस किया वहाँ पे पूछ लेता है, तो याद रखिएगा एमाडोराई रीअरेंजमेंट क्या होता है। तो क्या होता है, एमा डी ओ आर आई रीअरेंजमेंट। ठीक है, तो एमाडोराई रीअरेंजमेंट वन बाय वन हम लोग सीखने जा रहे हैं, होता क्या है, कैसे काम करता है और इसके क्या इंपॉर्टेंट फीचर्स हैं। ठीक है, एमाडोराई रीअरेंजमेंट स्पेसिफिक रीअरेंजमेंट है जिसकी वजह से ओसाजोन का फॉर्मेशन होता है, एंड वी आर गोइंग टू सी द कंप्लीट रीअरेंजमेंट वन बाय वन। जिन बच्चों को टाटोमेरिज्म का नॉलेज होगा वो बच्चे इस चीज़ को तुरंत समझ जाएंगे, जो बच्चे टाटोमेरिज्म नहीं जानते होंगे टाटोमेरिज्म यहीं पे सीखोगे। ठीक है, टाटोमेरिज्म, ठीक, टाटोमेरिज्म एक आपका यहाँ पे आएगा बहुत इंपॉर्टेंट टाटोमेरिज्म, जिसका नाम है इमीन इनामीन। ठीक है, इमीन इनामीन टाटोमेरिज्म, नाम सुना है, किसी ने नाम सुना है, इमीन इनामीन टाटोमेरिज्म होता है, दिस इज कॉल्ड स्पेसिफिक टाइप ऑफ टाटोमेरिज्म। किसी ने सुना है तो बताओ, क्या इस टाइप के टाटोमेरिज्म का नाम सुना आप लोगों ने, इमीन से इनामीन बन जाना, इमीन से क्या बन जाना, इनामीन बन जाना, किसी ने सुना है ये रीअरेंजमेंट? देखो इमीन क्या होता है, ऐसे समझो सी डबल बॉन्ड एन एच ग्रुप अगर होगा और यहाँ पे कार्बन पे कोई अल्फा हाइड्रोजन है, ठीक है, ये दिस इज कॉल्ड इमीन, ये कंपाउंड क्या कहलाता है, इमीन है। ठीक है, सी डबल बॉन्ड एन एच होता है तो इसको हम लोग इमीन बोलते हैं, और जब इस कार्बन पे अल्फा हाइड्रोजन होगा तो टाटोमराइज करता है और टाटोमराइज करके इनामीन बन जाता है। इना में क्या होगा, इन प्लस अमीन, ठीक है, इन प्लस अमीन बराबर इनामीन। तो आप यहां देखोगे कि ये कंपाउंड जो था वो ऐसे बन जाएगा, सी डबल बॉन्ड सी एच एन एच, ठीक है, यहां पे इधर कुछ भी लगा दो, आर लगा दो, ठीक है, सपोज करो आर होगा, सो यहां पे ये आर लगा रहेगा तो यहां पे क्या हो जाएगा आर, ये देखो अमीन ग्रुप हो गया, दिस ग्रुप इज कॉल्ड अमीन एंड दिस ग्रुप इज कॉल्ड इन, और दोनों को जोड़ दोगे तो बन जाता है इनामीन। ठीक है, अमीन से क्या बन गया, इनामीन। कैसे बना, अब वो प्रोसेस देखिएगा, ये प्रोटॉन क्या होता है, अल्फा प्रोटॉन कहलाता है, दिस प्रोटॉन इज कॉल्ड अल्फा प्रोटॉन, बिना इसके काम नहीं होने वाला, ये फंक्शनल ग्रुप है, फंक्शनल ग्रुप से अटैच पहला कार्बन अल्फा कार्बन होता है, ये प्रोटॉन यहां से यहां जाता है, ठीक, तो ये वाला डबल बॉन्ड हो जाएगा और ये मूव करके यहां से यहां चला आएगा। ठीक है, ये मैंने गलत कर दिया, यहाँ पे आर नहीं होगा, आर हटा लेना क्योंकि वैलेंसी नाइट्रोजन की गड़बड़ आ जाएगी। ठीक है, ये हो गया आपका, अब ये क्या हो जाएगा NH2, ये NH2 अमीन में क्या हो जाएगा NH2। तो देखो यहाँ पे लोन पेयर था, अब ये बन गया, और फिर से इसको वापस आना होगा तो ये लोन पेयर यहाँ से यहाँ अटैक करेगा, फिर इस पर चलाएगा निगेटिव चार्ज तो हाइड्रोजन मूव करके इसके पास चलाएगा, तो दोनों रिवर्सिबल हैं, ये इमीन से इनामीन बन जाता है, फिर इनामीन से अमीन बन जाता है, ये आपको बहुत अच्छे से समझना पड़ेगा। आई होप ये चीज़ आपको समझ में आ रहा होगा, इमीन फंक्शनल ग्रुप इतने पार्ट को बोलते हैं, दिस इज कॉल्ड इमीन, अगर इसके पास अल्फा हाइड्रोजन हुआ तो इमीन से कन्वर्ट हो जाएगा इनामीन में, इन प्लस अमीन बराबर इनामीन। सभी लोग वीडियो को जरूर लाइक कर दिया करें और एक बार बीच में ग्रुप में जरूर शेयर कर दिया करिए, ताकि जो बच्चे नहीं जुड़े हैं वो भी जुड़ जाएं। तो सभी लोग लिंक को एक बार शेयर भी कर दो और वीडियो को जल्दी से लाइक कर दो। तो ये बात आपको समझ में आई, दिस इज अ स्पेसिफिक टाइप ऑफ टाटोमेरिज्म, इसके बिना रीअरेंजमेंट आपको समझ नहीं आने वाला, क्योंकि जो रीअरेंजमेंट होना है यही होना है। तो सबसे पहले तो टाटोमेरिज्म समझो कि हर वो कंपाउंड जिनके पास इमीन ग्रुप होगा वो अल्फा प्रोटॉन के प्रेजेंस में इनामीन में कन्वर्ट हो जाएगा, ग्लूकोज अभी वही करने वाला है। ठीक है, अब मैं आपको इसका टाटोमेरिज्म दिखाने वाला हूँ, टाटोमेरिज्म कैसे होता है। सो लेट्स प्रोसीड ऑन प्रोडक्ट फॉर्मेशन। ठीक है, प्रोडक्ट फॉर्मेशन में हम लोग चलते हैं, ये आ गया सबको समझ में, ये याद रखना इंपॉर्टेंट है।
दिस इज इंपॉर्टेंट. ओके सो लेट्स प्रोसीड टुवर्ड्स एमाडोराइड रेजिमेंट. नहीं समझ आया ये इनामिन. चलो एक और एग्जांपल करके देखते हैं. ठीक, जैसे सपोज कर लो ये है अपने पास CH3CH डबल बॉन्ड NH. ये कंपाउंड का नाम है इमीन. क्या कंपाउंड का नाम है? इमीन. अब ये जब टाटोमराइज होगा तो बना लेगा इनामीन. कैसे बना लेगा? CH2 डबल बॉन्ड CH NH2, ये बन जाएगा. ठीक है, एल्कीन में होता है इन, इन में जोड़ दिए अमीन तो इनामीन कहला जाएगा. ठीक है, कैसे बना देखो यहाँ पे. अगर इसको देखा जाए ध्यान से तो दिस इज फॉर्म लाइक, ये हो गया CH2, इसको हम H लिख दें तो ये आपका अल्फा कार्बन था. ये प्रोटॉन मूव करके यहाँ से कहाँ चला गया? दिस इज मूविंग फ्रॉम हियर टू हियर, तो इस पर क्या चार्ज आ जाएगा? निगेटिव. तो बीच में आपका एक ट्रांजिशन स्टेट बनेगा, फिर ये प्रोटॉन यहाँ से भाग के जो नाइट्रोजन निगेटिव होने वाला उस पर जाके बैठ जाएगा, तो ये बनेगा ना. दिस इज कॉल्ड इन प्लस अमीन. इसको पूरा जोड़ दोगे तो कहलाएगा इनामीन. ठीक है, दिस इज कॉल्ड इनामीन. अब बोलो समझ आया ये इनामीन बना कि नहीं बना? अब हम यहाँ पे R लगा सकते हैं ना, CH3 की जगह हम कार्बन पर अगर एक प्रोटॉन है तो हम कोई भी एल्किल ग्रुप जोड़ ले, क्या फर्क पड़ता है, बनेगा ही बनेगा, है ना. एक और एग्जांपल देखो, ये कंपाउंड अभी क्या है? इमीन है ना. दिस कंपाउंड इज कॉल्ड इमीन. इसके बगल में यहां का प्रोटॉन है ना अल्फा हाइड्रोजन. अब अगर ये अल्फा हाइड्रोजन को हम देखें ऐसे यहां से यहां मूव करा दें तो ये वाला प्रोटॉन इसके यहां पे चला जाएगा. तो जब ये यहां पे जाएगा तो क्या बना लेगा, क्या बना लेगा देखो ध्यान से. कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड बनते हुए दिख रहा है आपको, यहां पे कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड बनते हुए दिख रहा है ना आपको, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड. और ये क्या हो रहा है? सिंगल बॉन्ड, क्योंकि ये बॉन्ड टूटने वाला है. तो यहां पे डबल बॉन्ड आ जाएगा और यहां पे NH2 बन जाएगा. तो ये अमीन बन गया और ये इन बन गया, देन इट इज ऑल्सो नोन एज इनामीन. अब समझ आ गया सभी को? बोलो बच्चों अब क्लियर है? दोनों एग्जांपल से समझ आ गया ना अमीन इनामीन रिअरेंजमेंट क्या होता है, टाटोमेरिज्म क्या होता है. अभी ठीक है, अमीन इनामीन हो गया. ठीक है, अब करेंगे इसका हम लोग मैकेनिज्म. ठीक, अमीन इनामीन टाटोमेरिज्म होगा तभी एमाडोराइड रिअरेंजमेंट पूरा होता है, नहीं तो पूरा नहीं होगा. चलो स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले मैकेनिज्म में आओ. मैकेनिज्म का पहला पार्ट, सबसे पहले क्या होता है, एल्डिहाइडिक ग्रुप जो है इसके पास, ये C डबल बॉन्ड O, कार्बन का ये H और ये OH. नीचे का पार्ट मैं नहीं लिख रहा हूं, नीचे का पार्ट तुम लोग समझ लेना, R बराबर पूरा ग्रुप होगा. ठीक है, R बराबर पूरा ग्लूकोज का जो पार्ट बचा है उतना पार्ट छापेंगे हम बाद में. ठीक है, अब इसको क्या करना है, फिनाइल हाइड्रोजन से रिएक्शन कराओ. तो फिनाइल हाइड्रोजन का स्ट्रक्चर है NH2NH PH. ठीक, यहां पे होगा क्या, पानी कंडेंस कर जाएगा. इसका ऑक्सीजन इसके H2 के साथ क्या करेगा, कंडेंस कर जाएगा और यहां पे रिलीज होगा वाटर और हमें जो कंपाउंड मिलेगा वो है HC डबल बॉन्ड NH PH एंड दिस इज कार्बन HOH और नीचे मैंने पूरा R. देखो ध्यान से आप सभी लोग, ये इनामीन बना कि नहीं बना बताओ, ये इमीन है कि नहीं है? देखो ध्यान से, ये इमीन कंपाउंड है. यहां पे हम इसको शॉर्टकट में लिख सकते हैं ना, ये इमीन ही तो है. एल्डिहाइड पे जो कंडेंस हो गया वो क्या है? इमीन. और उससे अटैच पहला कार्बन अल्फा कार्बन है ना. अब अल्फा कार्बन पर हाइड्रोजन है कि नहीं बच्चों? अल्फा कार्बन पर हाइड्रोजन है, तो जो अल्फा कार्बन पर हाइड्रोजन है वो देखो यहां से यहां मूव करेगा, है ना. फिर ये इस पर नाइट्रोजन पाएगा नेगेटिव चार्ज, तो ये हाइड्रोजन यहां से उड़ते हुए क्या होगा, मचलते हुए निकल के यहां से चला जाएगा किसके पास, इस नाइट्रोजन के पास पहुंच जाएगा, है ना. तो देखो क्या बनने वाला है, इंटरेस्टिंग कंपाउंड बनने वाला है ना, ये इमीन से इनामीन बनने वाला है, है ना. हाँ, तो इमीन में NH ही लिखोगे ना, तो इमीन में NH ही लिखा हूँ. ठीक है, इमीन में NH ही लिखूँ. ठीक, अब इसके बाद देखो आगे क्या होने वाला. यहाँ पे टाटोमराइज हुआ, टाटोमराइज होगा तो ये बनेगा HC
ये देखो NH, इधर फिर NH पहले से था ही, PH आ गया, यहां पे आ गया कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, और ये ऑक्सीजन और ये H, इसको मैंने पूरा R लिख दिया। क्लियर दिखाई दे रहा सबको? ये स्टेप एक स्टेप देखते जाए, एकदम सिस्टमैटिकली स्टेप्स को देखिएगा आप सभी लोग, वन बाय वन चलेगा पूरा, एकदम क्लियर कट साफ साफ दिख रहा है। ये इमीन से क्या बन गया? इनामीन। ये क्या है? इना मीन है, दिस इज इनामीन। इमीन से इनामीन बनते हुए क्लियर समझ आ गया सभी को? अभी उस पे आ जाएंगे पीछे, पहले इसको देख लो। ठीक, देखो इनामीन बना कि नहीं बना, ये इमीन से इनामीन बना, सभी लोग क्लियर हो रहा है? इमीन से इनामीन बन रहा है, सभी को ये बात क्लियर हो रहा है? ठीक, तो अब हम लोग इसके आगे चलेंगे। इमीन से इनामीन जैसे ही बनता है, अगला जो प्रोडक्ट होगा, अगला जो स्टेप होगा, वो OH का प्रोटॉन, देखो टाटोमेरिजम में है। OH का प्रोटॉन क्या है? यहाँ पे टाटोमेरिजम में है, तो जो OH का प्रोटॉन है अब उसका काम चालू हो जाएगा। ये देखो यहाँ पे अगर देखें हम, तो ये इन है और ये OH है। किसी को याद है, मैं पीछे थोड़ा सा यहाँ पे एक बार और एक चीज़ और बता दूँ, कीटो इनॉल टाटोमेरिजम किसी ने पढ़ा था? कीटो इनॉल टाटोमेरिज्म कभी पढ़ा है जिंदगी में? अगर नहीं पढ़ा है तो ध्यान रखना। इनॉल क्या होता है? जब कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड पे क्या जुड़ा हो? OH जुड़ा हो, तो इन प्लस ऑल बोलते हैं, दिस इज कॉल्ड इन प्लस एल्कोहल को ऑल, तो इनॉल हो गया। और जब ये टाटोमराइज करता है तो कन्वर्ट होके पहुंच जाता है सी डबल बॉन्ड एच, दिस इज कॉल्ड कीटो फॉर्म एंड दिस इज कॉल्ड इनॉल फॉर्म। ठीक है, कीटो इनॉल टॉटामेरिज्म भी यहाँ पे होने वाला है। जस्ट कीटो इनॉल कभी पढ़ा होगा तो यहाँ भी एक बात आपको आएगी। चलो मैं आपको कीटो इनॉल वाला पार्ट भी बता दूँ। देखो कोई भी कंपाउंड क्या होता है? कीटोनिक ग्रुप, दिस इज कॉल्ड कीटोन। अगर कीटोन के पास भी अल्फा हाइड्रोजन है तो ये भी टॉटामेरिज्म करते हैं। क्या करते हैं? ये भी टॉटामेरिज्म। तो यहाँ पर की इन प्लस ऑल बनता है तो इनॉल बोलते हैं, वहाँ पे इमीन प्लस इनामीन होता है। होगा क्या, ये वाला एच यहां से यहां जाएगा तो इसके ऊपर आएगा नेगेटिव चार्ज, तो ये प्रोटॉन भाग के क्या करेगा? इसी के पास चला जाएगा, तो ये बन जाएगा OH और यहां आ जाएगा कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड। तो देखो ये इन है प्लस ऑल है, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं? इनॉल। और ये कीटोनिक फॉर्म था, कीटो में तो कीटो, तो जिनके पास अल्फा हाइड्रोजन होता है, हर कीटोन या एल्डिहाइड जिनके पास CO ग्रुप होगा वो कीटो इनॉल टॉटामेरिज्म बनाते हैं। ठीक है, इनामिन समझ लिया, कीटो इनॉल यहां पे हो गया। ठीक है, अगला स्टेप में देखो होने वाला यही है। देखो ये इनॉल है क्या? ये इनामिन के साथ साथ ये इनॉल भी है। अब ये ग्रुप यहां से यहां जाएगा, ठीक है, ये ग्रुप यहां से यहां जाएगा, और जब ये यहां से यहां जाएगा तो ध्यान से देखिएगा, आपका ये वाला जो डबल बॉन्ड है वो कार्बन पे जाके नेगेटिव चार्ज बना देता है, कार्बन पे जाके नेगेटिव चार्ज बना देता है। और नेगेटिव चार्ज जैसे ही बनेगा, अब आपका कीटो फॉर्म जनरेट होने वाला है। इस कार्बन पे एक एच पहले से था, एक और एच आ गया, ठीक, और नीचे ये बन गया सी डबल बॉन्ड ओ, इधर आपका NH NH PH जुड़ा था, जुड़ा रह गया, और ये पूरा R ग्रुप रहेगा। फिर से देखो एक कीटोनिक ग्रुप जनरेट हो गया है, फिर से एक कीटोन पार्ट जनरेट हो गया, दिख रहा है सभी को? गुड इवनिंग एवरीबॉडी, ये ध्यान से देखो, यहां तक समझ आया? यहां से यहां जो हो रहा है, दिस इज कॉल्ड कीटो इनॉल टॉटामेरिज्म, दिस इज कॉल्ड कीटो इनॉल। और यहां से यहां जो हुआ वो इमीन इनामीन हुआ, ठीक है, इमीन इनामीन टॉटामेरिज्म ये हुआ। तो अभी आपका फिर से एक कीटोन पार्ट बन गया है ना, एक फिर से कीटोन पार्ट बन गया, एक मोल एल्डिहाइड कंडे सॉरी एक मोल फिनाइल हाइड्रोजन के कंडेंसेशन पे, फिर से दूसरा मोल फिर से कंडेंस करो, तो दूसरा मोल जब फिर से कंडेंस करोगे तो PH NH NH2 ये जाएगा और CO पे कंडेंस हो जाएगा। जब CO पे कंडेंस होगा तो एक मोल पहले जुड़ा था, दूसरा मोल फिर जुड़ जाएगा ना, तो देखो क्या बनेगा, H यहाँ H पहले से है, ये NH NH PH जैसे वैसे लिखो, प्लस C डबल बॉन्ड N एंड यहाँ पे NH PH
पीएच, और ये आर हो गया, ये आर ग्रुप हो गया। ये फाइनल प्रोडक्ट नहीं है, ये फाइनल प्रोडक्ट नहीं है, अभी इसमें रीअरेंजमेंट क्या है बाकी है। अब रीअरेंजमेंट फिर से कैसे होगा, अमीन इनामिन टाटामेरिज्म फिर आपको दिख रहा होगा, ये एक प्रोटॉन यहां से यहां टूटता है ना, ये फिर से यहां से अमीन इनामिन फिर होने वाला है ना, क्योंकि ये ग्रुप क्या है इमीन है, दिस कंपाउंड इज इमीन, एंड देन फर्दर वी आर गोइंग टू प्रोसीड टूवर्ड्स इनामिन। तो जब ये यहां से यहां अटैक करेगा तो देखो क्या होने वाला है, इस पर्टिकुलर प्लेस पे आपको दिखेगा कि फिर से इमीन बन रहा है, सी डबल यहां पे सी एन एच एन एच पी एच डबल बॉन्ड सी एन एच पी एच हो गया, और ये आर यहां तक आ जाइए, इसको थोड़ा मैं छोटा कर लेता हूं इस एरो को, ये फिर से यहां पे इमीन इनामीन हो गया, दिस कंपाउंड इज कॉल्ड इनामीन, क्योंकि यहां पे डबल बॉन्ड है तो इन और एनएच हो गया तो अमीन, फिर से इन इनामीन हो गया। अब यहां तक क्लियर है सबको, अप टू दिस स्टेप सबको क्लियर है कि नहीं, चलो बताओ यहां तक सबको कन्वर्जन समझ में आया, दो बार इनामीन टाटामेरिज्म हुआ, एक बार कीटो इनोल टाटामेरिज्म हुआ, दो टाटामेरिज्म यहां पे आप साफ साफ देख रहे हो, सभी को यह बात समझ में आया, जल्दी से सभी लोग बताएं, ये क्लियर है सबको। अब इसके आगे मूव करना है, ठीक है, अब देखो मैं इसको स्लाइड करके ऊपर ले जा रहा हूं, अब इसके बाद का स्टेप बस छोटा सा बचा है, अब यहां पे होगा रिमूवल ऑफ वन एनएच टू ग्रुप, ठीक है, रिमूवल ऑफ वन एनएच टू ग्रुप यहां से रिमूव होके बाहर जाएगा, ठीक, देखो कैसे होगा, अब स्टार्टिंग से कैसे रिपीट कर दे, लेट में आए हो स्टार्टिंग से वीडियो फिर से देख लेना रिवाइज करके, ये लोन पेयर यहां से यहां फिर से अटैक करा, ये यहां से यहां जाए और ये यहां से यहां जाए, ठीक, जब यहां से यहां जाएगा तो देखो यहां पे जो ये वाला ग्रुप है इसको मैं पूरा बड़ा बना दूं, क्योंकि यहां पे एक रिमूवल करना है मुझे, इसको मैं पूरा पहले बना दूं, एच सी एन एच, इसको एच को मैं यहां लिख देता हूं, चलेगा एन एच पी एच डबल बॉन्ड सी एन एच एन एच पी एच, ठीक है, और ये आर पूरा जुड़ा हुआ है, दिस इज आर। अब यहां पे कुछ नहीं करना है, जो ये लोन पेयर है इसी लोन पेयर का अटैक कराना है, ये लोन पेयर जो है यहां से जब इस पे अटैक करेगा इस बॉन्ड पे, तो ये वाला बॉन्ड यहां से यहां आएगा और ये बॉन्ड टूट के निकल के बाहर चला जाता है, ये बॉन्ड टूट के क्या होता है निकल के बाहर चला जाता है, ठीक है, जब ये निकल के बाहर चला जाएगा तो देखो क्या बना, ऊपर हमारा है एच सी डबल बॉन्ड एन एन एच पी एच, जब ये नाइट्रोजन अपना लोन पेयर देगा तो हाइड्रोजन अपना इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन को देके इसके साथ बाहर चला जाएगा, क्योंकि एन माइनस बनने वाला है ना, तो एच इसी के पास चला जाता है, ठीक है, तो एच उसको दिखाया नहीं जाता, बस ऐसा समझ लो कि उसके साथ चला गया। अब इसके बाद नीचे है हमारा सी डबल बॉन्ड एन एच, ये और नीचे क्या है R, नीचे और क्या बच गया हमारा R, दिस इज R ग्रुप, ये R रह गया, R से कोई मतलब नहीं, R को छूना ही नहीं है। अब देखो यहां पे क्या निकला बाहर, एक अमोनिया निकला ना, पी एच एन एच टू बाहर चला गया, दिस इज रिमूव्ड, जो एक मॉलिक्यूल रिमूव होता वो यही था, दूसरा मॉलिक्यूल जब जुड़ा उसमें से एक मॉलिक्यूल क्या हो गया रिमूव हो गया, अब तीसरा मॉलिक्यूल आके यही जुड़ जाता है एच टू एन एच एच टू एन एन एच पी एच, दिस इज फिनाइल हाइड्राजीन, ठीक है, अब ये फिनाइल हाइड्राजीन क्या करेगा, इस एच के साथ अमोनिया बन के निकल जाता है, देखो ये अमोनिया बन के उड़ जाएगा तो बचेगा क्या माइनस एन एच थ्री, यहां से उड़ा दो तो पूरा जो जुड़ा बच गया वो रह गया
एच सी डबल बॉन्ड एन एन एच पी एच सी डबल बॉन्ड एन एन एच पी एच नीचे पूरा आर ग्रुप, दिस इज कॉल्ड ओसा जोन, यही ओसा जोन है एंड दिस होल अरेंजमेंट इज कॉल्ड एमाडोराई रीअरेंजमेंट, यही आपका ओसा जोन बना। देखो ध्यान से सभी स्टेप, वन बाय वन सभी स्टेप, स्टार्टिंग से सब देखोगे आपको समझ में आएगा। मैं रिपीट करता हूं अभी, बस वेट कर लो, मैं पूरा मैकेनिज्म फिर से रिपीट करूंगा एक बार, सब पहले शुरू से देख लो, मैं पूरा स्टेप रिपीट करूंगा, ठीक है? समझ आया तुम लोगों को ये कितने लोगों को समझ में आ गया? ये कितने लोगों को समझ में आ गया भाई? थोड़ा थोड़ा पूरा आएगा समझ में, भी बताता हूँ, पूरा समझ में आएगा। थोड़ा थोड़ा क्यों आएगा, पूरा पूरा आना चाहिए ना। अब इसको देखो, समझना क्या था, वन बाय वन मैं रिपीट कर रहा हूँ, सभी लोग देखना ध्यान से, ठीक है? देखो पहले क्या करना था, सबसे पहले स्टार्टिंग में हम लोग क्या करेंगे, जो भी अपना ग्लूकोज है, ग्लूकोज फ्रक्टोज जिसके साथ यूज करना है, ग्लूकोज फ्रक्टोज देखो तीन मॉलिक्यूल, चाहे ग्लूकोज लो, चाहे मैनोज लो, चाहे फ्रक्टोज लो, ठीक है? तीनों सेम ओसाजोन बनाएगा, तीनों का ओसाजोन सेम बनता है, कॉमन, ठीक है ना? तीनों कॉमन बनाता है, क्यों? तो तीनों में हमें सिर्फ सी एच सी डबल बॉन्ड और सी एच ओ एच चाहिए और तीनों में यहाँ पे मिल जाएगा। तो ओसाजोन जो सेम ओसाजोन कौन बनाता है? मैनोज, फ्रक्टोज और फ्रक्टोज ग्लूकोज मैनोज सेम ओसाजोन देते हैं, क्योंकि दोनों में नीचे का पार्ट, इसके देखो यहाँ के नीचे का पार्ट सब में सेम होता है। अगर फ्रक्टोज ग्लूकोज और मैनोज की बात करोगे, अभी स्ट्रक्चर दिखाऊंगा, सिर्फ पहला दूसरा कार्बन अलग होता है, बाकी सब सेम। ये क्वेश्चन ITJM में आ चुका है, या ITJM में पूछा था कि हाउ मैनी मल्टीपल करेक्ट टाइप क्वेश्चन में, अभी मैं ढूंढ के भेजूंगा आपको, ITJM में जो MSC एंट्रेंस का इंपॉर्टेंट एग्जाम है उसमें पूछा था कि कौन सा कॉमन ओसाजोन, सेम ओसाजोन कौन कौन बनाएगा, अभी आप बना के देखिएगा, दिखाऊंगा आपको, ठीक? देखो सबसे पहले क्या करना है, जो कीटोनिक ग्रुप है उसके साथ एक मोल फिनाइल हाइड्रोजन को ऐड कर दो, यहाँ से पानी निकल जाएगा तो ये इमीन बन जाएगा कंपाउंड, ठीक? इमीन में जो यहाँ पे इस कार्बन पे हाइड्रोजन है, वो हाइड्रोजन क्या करेगा, टॉटोमेरिज्म करेगा, टाइटोमेरिज्म के बाद क्या होगा, इनामीन बना लेगा, ठीक है? ये बन जाएगा क्या, इनामीन। इनामीन में यहाँ पे देखो इनोलिक ग्रुप भी है और इनामीन भी, दोनों एक साथ प्रेजेंट है, तो इनामीन प्लस इनोलिक ग्रुप होने के लिए क्या हो गया, ये दोनों आसानी से टाटोमेरिज्म करके कीटोनिक फॉर्म में आ जाता है। ये वाला प्रोटॉन जो इनोल का ग्रुप है, ये इनोलिक ग्रुप टाटोमराइज करके कीटोनिक फॉर्म में आ गया, ठीक है? कीटोनिक फॉर्म के पास क्या, सीओ ग्रुप, सीओ एक मोल और इसके साथ जुड़ जाता है फिनाइल हाइड्रोजन के साथ, तो फिर क्या बन गया, फिर से इनामीन तैयार हो गया, क्योंकि ऊपर सी एच ग्रुप है, नीचे सी डबल बॉन्ड एन है, तो फिर ये इनामीन टाटोमेरिज्म करेगा, फिर टाटोमेरिज्म करेगा यहाँ से, तो टाटोमेरिज्म करने के बाद फिर क्या बना लिया, देखिए एक इमीन बन गया डबल। अब इसी में क्या होता है, इस इनामीन में इस नाइट्रोजन का लोन पेयर अटैक करता है और एक नया इनामीन बनाता है, बट रिमूवल ऑफ दिस NH ग्रुप, ये पूरा NH ग्रुप क्या होता है, रिमूव हो जाता है इन द फॉर्म ऑफ फिनाइल, ये एनिलीन के फॉर्म में रिमूव हो गया, ये एनिलीन चला गया बाहर, ठीक? अब एनिलीन बाहर चला गया तो अपने पास क्या तैयार हुआ, नया कंपाउंड तैयार हुआ, इमीन। ये फिर से क्या तैयार हुआ, इमीन। इसी इमीन पे तीसरा मॉलिक्यूल आके कंडेंस होकर अमोनिया बना लेता है, ये एक अमीन का इमीन का एच और इसका फिनाइल हाइड्रोजन का NH, कंडेंस होकर अमोनिया बाहर निकाल दिया और आपका ये ओसाजोन का फॉर्मेशन हो जाता है, ठीक है? हाँ, ग्लूकोज मैनोज फ्रक्टोज तीनों सेम ओसाजोन बनाता है। अभी ये सबको क्लियर हुआ, ये प्रैक्टिस कॉपी पे करिएगा, साफ साफ हो जाएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट मैकेनिज्म है, सबको आना चाहिए, ठीक है? ये क्लियर हो गया सबको? अब आपको बताते हैं कौन कौन सा मॉलिक्यूल सेम ओसाजोन बनाएगा, ठीक है? क्योंकि रिएक्शन केवल पहले और दूसरे कार्बन पर होने, तीसरे कार्बन पर रिएक्शन हुआ ही नहीं, तो जिस पे पहले दूसरे कार्बन का क्या हो, कुछ भी हो, वो तो कंडेंस होकर बन ही जाएगा प्रोडक्ट,
दूसरे के बाद अगर तीसरा चौथा पांचवा छठा कार्बन सेम हुआ जिसका, वो सेम प्रोडक्ट बनाएगा। ठीक है, अब देखो कैसे बनाएगा। अगर आप ग्लूकोज की बात करते हो तो ग्लूकोज में क्या होता है, ये होता है ना, देखते जाओ सब में क्या होता है, चाहे ग्लूकोज लो चाहे फ्रक्टोज लो, सबका एक ग्रुप जो होता है सब में सेम होता है। दिस ग्रुप इज कॉमन इन ऑल, इतना ग्रुप देखना सब में सेम है, ये नहीं बदलता। हमने ये ग्लूकोज बनाया है ना, तो ग्लूकोज का पहला दोनों कार्बन कंडेंस हो जाता है। फ्रक्टोज बनाइए CH2OH सी डबल बॉन्ड O, इसके बाद का इसका जो पार्ट है वो सब ग्लूकोज की तरह ही होता है, तो ये भी कंडेंस होगा तो सेम ओसाजोन बनाएगा, कोई स्ट्रक्चरल डिफरेंस नहीं होगा, सेम ओसाजोन इसमें भी बनेगा। बनेगा कि नहीं बनेगा, देखो इतना ग्रुप फ्रक्टोज का भी क्या है, सेम है, क्योंकि पहला दूसरा कार्बन तो शहीद होने जाना है ना, तो जब पहला दूसरा शहीद होगा तो कोई फर्क नहीं पड़ना पहले दूसरे पर कौन है। अगर आप फ्रक्टोज की मैनोज की बात करते हो तो मैनोज में क्या होता है, सी डबल बॉन्ड हो, बस दूसरे कार्बन का OH क्या होता है, उल्टा होता है ना, ये बाकी सब इसमें भी क्या होते हैं, सेम सेम एज ग्लूकोज, आप सब ने पढ़ा होगा, आप सब ने पढ़ा होगा, मैंने बनाया है सबको शुरू में ही पढ़ाया है। इसमें भी देखो ये चारों कार्बन क्या है, सेम है, इस पर कोई डिफरेंस नहीं है। तो जब दोनों शुरुआत के दोनों, ये आपका ग्लूकोज हुआ, ग्लूकोज हो फ्रक्टोज हो और ये कौन है मैनोज हो, तो सब में आपको क्या देखने मिलेगा, कॉमन चीज कि सबका ओसाजोन सेम होगा। अब आपसे सवाल ये है, क्या गैलेक्टोज भी सेम ओसाजोन बनाएगा, क्या गैलेक्टोज भी सेम ओसाजोन बनाएगा, मुझे बस ये जानना है क्या गैलेक्टोज भी सेम ओसाजोन बनाता है कि अलग बनाता है, बताइए सभी लोग। गैलेक्टोज जो है वो सेम ओसाजोन बनाएगा कि डिफरेंट ओसाजोन बनाएगा, व्हाट अबाउट गैलेक्टोज, गैलेक्टोज सेम ओसाजोन बनाएगा कि डिफरेंट ओसाजोन बनाएगा, व्हाट डू यू थिंक अबाउट गैलेक्टोज, क्या नहीं, नहीं क्या सेम या डिफरेंट बोलो ना, नहीं यस हाँ नो टाटा बाय बाय, ये थोड़ा बोलना है, सेम या डिफरेंट बस ये बोलना है। यस करेक्ट, डिफरेंट बनाएगा क्योंकि उसका C4 अलग होता है और C4 का मतलब इस कार्बन पे चेंजे जाएंगे और जब इस कार्बन पे चेंज हो जाएगा तो सेम ओसाजोन नहीं रहेगा, ओसाजोन बदल जाएगा, ठीक है, सेम नहीं बनेगा। ये IIT जैम का क्वेश्चन था, मल्टीपल करेक्ट में दिया था, हाउ मेनी ऑफ द फॉलोइंग विल फॉर्म सेम ओसाजोन, ऑप्शन में चार ही था, ग्लूकोज फ्रक्टोज मैनोज और गैलेक्टोज, तो उसमें तीन ऑप्शन सही थे, ग्लूकोज मैनोज और फ्रक्टोज करेक्ट होगा, इनकरेक्ट केवल एक होगा, वो कौन सा है, इनकरेक्ट वाला कौन सा होगा बच्चों, दैट इज गैलेक्टोज। सबको समझ आ गया ना ओसाजोन का स्ट्रक्चर, तो ये आपका मैकेनिज्म आपके लिए थोड़ा सा डिफिकल्ट रहा होगा, या कई लोगों ने टाटोमेरिज्म नहीं पढ़ा होगा तो उनके लिए थोड़ा सा डिफरेंस रहा होगा, ठीक है, बट दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, इसके बिना आप आगे कर नहीं पाओगे, ठीक है ना। यस डिफरेंट, करेक्ट है, डिफरेंट है। सो ओसाजोन फॉर्मेशन सबको क्लियर हो गया, एमाडोराइड रिअरेंजमेंट सबको क्लियर हो गया, तो आज आप लोग इसको पूरा कॉपी पे ड्रॉ करिए, दोबारा से ड्रॉ करिए, इसमें पूछा गया इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये था, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ये पूछा था, हाउ मेनी ऑफ द फॉलोइंग विल फॉर्म सेम ओसाजोन एज गिवेन बिलो, एज गिवेन बिलो, जैसे नीचे दिया गया है उसी तरीके से कितने ऐसे हैं जो सेम ओसाजोन बनाएंगे, ठीक है, ये देखो दिया था ऐसे पूरा स्ट्रक्चर दे रखा था,
ओसाजन बनाया भी था और ऑप्शन दिया था, इसने पहले स्ट्रक्चर दिया, फिर लिखा तीन मॉलिक्यूल ऑफ पीएच एनएच एनएच टू और बना दिया सीएच डबल बॉन्ड एन एनएच पीएच, फिर सीएच डबल बॉन्ड एन एनएच पीएच एंड देन यहाँ पे एच ओ एच ओ एच एच ओ एच एच और सी एच टू ओ एच। और ऑप्शन क्या दिया, ऑप्शन देखिए, क्वेश्चन लिखने के बाद इसने ऑप्शन दिया ए फ्रक्टोज, बी गैलेक्टोज, सी मैनोज मैनोज और डी दिया था गैलेक्टोज सॉरी लैक्टोज। बोला था कितने ऑप्शन करेक्ट हैं, इसमें आपको बताने थे कितने ऑप्शंस करेक्ट हैं, बताइए कितने ऑप्शन करेक्ट हैं, हाउ मेनी ऑप्शंस आर करेक्ट। ग्लूकोज तो ऑलरेडी दे ही रखा है, तो ग्लूकोज ऑप्शन में थोड़े, ये तो ग्लूकोज ही है ना, यही तो ग्लूकोज है। कौन कौन सा ऑप्शन सही है, ए बी सी डी चार हैं आपके पास, हाउ मेनी ऑप्शंस आर करेक्ट। मैनोज फ्रक्टोज लैक्टोज कैसे सेम ओसाजोन देगा जी, ओसाजोन ही है, लैक्टोज डाइमर है और आपका ग्लूकोज मोनोमर है, दोनों सेम कैसे होगा। ए एंड सी ओनली करेक्ट, ओनली ए एंड सी। भाई साहब आप लोग देखिए, ये ए बनाएगा सेम ओसाजोन और सी ये सेम नहीं बनाएगा और लैक्टोज भी सेम नहीं बनाएगा, कैसे सेम बना दिया, बी नहीं रहेगा डी भी नहीं, डी ओसाजोन बनाता है बट सेम नहीं, ये वाला थोड़े बनाएगा, वो डाइसेक्राइड है ना, मोनोसेक्राइड थोड़े है, ए बी सी सब कर रहा है, केवल ए और सी करेगा, ओनली ए एंड सी, जबरदस्ती का डी करेगा, डी डाइमर है तो डाइमर ग्लूकोज की तरह कैसे बनाएगा। ओनली बी ए और सी रहेगा बस, ओसाजोन फॉर्मेशन नहीं पूछा है, सेम ओसाजोन ग्लूकोज है, ये ग्लूकोज का बना है ये, ठीक है, तो जैसा इसका स्ट्रक्चर है वैसा इसका भी स्ट्रक्चर होना चाहिए। लैक्टोज तो बनाता है, रिड्यूसिंग शुगर है बट सेम नहीं बनाता है, वो उसका स्ट्रक्चर अलग होगा, उसमें दोगुने कार्बन होंगे ना ग्लूकोज के रेस्पेक्ट में, ये ग्लूकोज में कितने कार्बन है, छह ही हैं बट यहाँ पे अलग हो जाएगा, तो ओनली ए एंड सी इज करेक्ट, ठीक है, बस ए एंड सी दैट्स ऑल। तो आज की सभा आपकी यहीं संपन्न होती है, अगली सभा में कल पढ़ाएंगे आपको वान इंकेस्टाइन रीअरेंजमेंट, तब तक सभी लोग इसको जाके अच्छे से रिवाइज कर लो और पीछे सब तैयार कर लो, टेस्ट का टाइम आ रहा है, फिर एक टेस्ट कराएंगे जल्दी ही, ठीक है, सब तैयार रखना, इसका टेस्ट मैं जल्दी कराऊंगा और सभी लोग वीडियो लाइक करके क्लिक कर दो, जल्दी से आगे बढ़ेंगे, ठीक, चलो टाटा बाय बाय, मिलते हैं फिर कल।